हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं नेवी ट्रेड्समैन मेट 2021 की जो परीक्षाएं हो रही हैं, 20 मार्च की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आपको फुल फॉर्म देखने को मिल रहा था जो कि कंप्यूटर से था, और अन्य जैसे WHO का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऐसे ही पूछ लिया था ASCII का फुल फॉर्म यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फिर आपका पूछा हुआ था BIOS के बारे में, BIOS का फुल फॉर्म पूछा था, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मैं सोचा कि यहाँ कुछ ना इंपॉर्टेंट जो भी एब्रीवेशन है क्यों ना उन पर एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि जो भी आगे की शिफ्ट बची हुई है उनमें जरूर ये इंपॉर्टेंट में से ज़रूर आपको फंसने की चांस 100% है। तो यदि आपके अगले शिफ्ट या अभी पेपर नहीं हुआ है तो इनको तैयार करके जरूर जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी यदि आपका सही हो रहा है तो आपको वो एक क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि जब आदमी ज़्यादा कर लेता है ना, और जब एक दो नंबर से या 0.1 नंबर से छटता है तब समझ में आता है एक नंबर की वैल्यू। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स की जो बुक है प्लस 15 प्रैक्टिस सेट जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें, ये बुक और 15 प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ABC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनोसोफ्टवेरी कंप्यूटर। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एटानोसोफ्टवेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट AI का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट ALU, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, क्या है ALU का फुल फॉर्म? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है अर्पानेट। अर्पानेट भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में, ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट बेसिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये फुल फॉर्म है। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए BIOS जो कि 20 मार्च का पेपर था 2021 में, इसमें क्वेश्चन पूछा था BIOS का फुल फॉर्म, तो याद रखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऐसे ही BIPS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है BPI यानी कि बाइट्स पर इंच, BPI का फुल फॉर्म बाइट्स पर इंच। ऐसे ही CD का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो क्या याद रखेंगे? CD का फुल फॉर्म सबको पता है, कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है CDR, तो CDR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है CD-ROM, CD-ROM का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है CDRW यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट COBOL का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट एब्रीवेशन देखिए, CPU का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये एब्रीवेशन इतने इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, आपको एक से दो क्वेश्चन इंडियन नेवी में 100% इससे आने वाले हैं, इस वजह से आपको इसको एक बार तो रिवाइज करके ही जाएं, बोल कर जाएं, क्योंकि आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। DPI का फुल फॉर्म डार्ट्स पर इंच। नेक्स्ट है DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना था, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना था कि रैम कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार का होता है याद रखिएगा, SRAM और DRAM। SRAM का मतलब स्टेटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट पूछा हुआ था DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट EDSAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट जो है EDVX, तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट ENIAC, देखिए जो ENIAC कंप्यूटर है ना, ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या है इसका फुल फॉर्म? ENIAC का
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है ईपीरोम, तो ये रोम का ही प्रकार है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है फैट, फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है फ्लॉप्स, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है फोरट्रान, फोरट्रान का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रान का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जीबी, जीबी का फुल फॉर्म जीगाबाइट, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं जीएचजेड, यानी कि जी इसे क्या बोलते हैं, जीगा हर्ट्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म जीपीआरएस, जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट है जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है जीयूआई, जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है एचपी, तो एचपी का फुल फॉर्म हेवलेट पैकर्ड, हेवलेट पैकर्ड। नेक्स्ट है एचटीएमएल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिया है हाइपर, एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। नेक्स्ट है आईसी, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है इंटरनेट, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट। नेक्स्ट है INTER से इंटरनेशनल और NET से नेटवर्क। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ISDN, ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है JPEG, JPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट KB, KB का किलोबाइट्स, KHZ का किलोहर्ट्ज, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। LPM, LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट। नेक्स्ट है LSI का फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स, MHZ यानी मेगाहर्ट्ज, MIPS का फुल फॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट है MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG। नेक्स्ट है MS-DOS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। अब देखिए OCR और OMR को यदि रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी हो सकता है, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर भी हो सकता है अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है तो। नेक्स्ट है OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नो अगला है OSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए लैन का फुल फॉर्म क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म WAN, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ बोलते हैं ना।
नेक्स्ट है पीरोम। पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी आपने ई पीरोम पढ़ा था तो क्या था, इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक डबल ई पीरोम होता है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी। अब मैंने बताया था ना रैम, रैम दो प्रकार के होते हैं, एक एस रोम होता है एक डी रैम होता है, और दोनों का सम्मिलित रूप एच डी रैम होता है, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है एस एल एस आई। एस एल एस आई का फुल फॉर्म सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है एस एम टी पी। एस एम टी पी फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एस क्यू एल। एस क्यू एल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है एस एस आई, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है टी वी टेराबाइट। टी सी पी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टी सी पी का फुल फॉर्म ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यू डी पी। यू डी पी का फुल फॉर्म यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूएलएसआई। यूएलएसआई का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी का फुल फॉर्म वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट है वीसीआर। तो वीसीआर का फुल फॉर्म वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। नेक्स्ट है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीजीए यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे, वीजीए। वायरस का फुल फॉर्म विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, अंडर सीज। नेक्स्ट है वीओआईपी यानी कि वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वैन। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपके पास वेब। वेब का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वीमैक्स। वीमैक्स का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट है डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू ओ आर एम का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, इंपॉर्टेंट होता है। एक्स एम एल है। एक्स एम एल का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इस प्रकार हमने आपको टोटल यहाँ पे 100 जो कि एब्रीवेशन थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो इनको एक बार आप लोग अपने ज़ुबान से बोल कर जाएँ, कम से कम कंठस्थ करके जाएँ कि यदि इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।